नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा अपडेट जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी अपडेट जानते हैं। रक्षाबंधन पर पड़ेगा भद्रकाल का साया, इस वक्त भूलकर भी ना बांधे राखी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई बहन के इस त्यौहार को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा और इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:28 से रात 9:14 तक। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। बैंक के फैसले से नाराज अदड़ मोबाइल टावर पर चढ़ा। बैंक ने लोन नहीं चुकाने पर एक अदड़ के मकान की नीलामी का फैसला कर दिया। इससे नाराज होकर अदड़ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अदड़ को लगभग 16 लाख रुपए बैंक को देना था। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन और गोसुंडा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे तक समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में 4 इंच बारिश दर्ज की गई आज। कल सिंध बांध के गेट खोल दिए गए हैं। राजस्थान में ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटों में जयपुर पाली समेत 10 जिलों में 40 से लेकर 96 mm तक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इधर गुरुवार सुबह से ही जयपुर जिले में बारिश का दौर जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। बुधवार से लगातार तेज बारिश होने के बाद पाली जलावाड़ में बांधों का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए काली सिंध बांध का एक गेट खोल दिया गया है। वहीं राजस्थान में 5 अगस्त को अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सेल्फी के चक्कर में मौत का लाइव वीडियो। नालंदा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक मालगाड़ी अपनी पटरी से नीचे उतर गई और उसको देखने के लिए युवकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दो युवक ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक से दोनों हाई टेंशन लाइव वायर की चपेट में आ गए हैं। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। इस पूरे हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो वहीं खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है कि बेपटरी हुई मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने के चक्कर में युवक हाई टेंशन की तार की चपेट में आ गए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान के बीकानेर में अग्निवीर भर्ती आने वाली है। अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली 4 से 26 सितंबर तक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस रैली में बीकानेर के अलावा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू के 70,000 युवा भाग लेंगे। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।